Please subscribe Gandhian Corridor YouTube channel. ग्राम सभा जनजन लगाइए आप लोग रूढ़ी प्रथा के माध्यम से ग्राम स्वराज स्थापना करने के बाद जनजाति सलाहकार परिषद वो लिखेगा यहाँ से लेके हमारे कार्यालय कौन कौन है कलेक्टर है राज्यपाल राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा कार्यालय कोई नहीं है और भारत सरकार की हम ग्राम सभा चाहते हैं 1993 ग्राम सभा हमारा इसमें न चाहिए पंचायत ग्राम सभा न चाहिए हमको भारत सरकार का ग्राम सभा चाहिए जिसमें हमारा हम कौन है हम तो मूल निवासी हैं हम इस धरती के मालिक हैं और हम धरती के मालिक हैं और हम राजा हैं करोड़पति अरबपति हैं लेकिन क्या बात है कि हम लोग समझ नहीं पाते इसलिए हम लोग लुट रहे हैं पिट रहे हैं कूट रहे हैं हर तरह से कूट रहे हैं ये शासन आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार आपका हाई नहीं है आपका कार्यालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट विधानसभा जितने कार्यालय हैं वो कार्यालय कानून ग्राम सभा लागू नहीं होती है इसलिए हमको ध्यान में रख करके और ग्राम स्वराज स्थापना ग्राम सभा करना चाहिए ताकि हमारा जब जमीन जंगल बची बिरसा मुंडा ने धरती की लड़ाई लड़ी रामा महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने आजादी की शुरुआत की और सारे वहीं तक रुक गए आज तक ये समाज भारत आजाद है आजाद क्या मिला आपको कुछ नहीं मिला साथियों आजादी हमको चाहिए तो हमको ग्राम स्वराज स्थापना करके 20 सदस्य का जनजाति सलाहकार परिषद लिख के दो कलेक्टर को राज्यपाल राष्ट्रपति को दुनिया भर भटकने कोई जरूरत नहीं है जो ग्राम सभा मर वो खर वो दिया तो वो डायरेक्ट ग्राम सभा में आएगा तुम्हारे ग्राम सभा में आएगा और जब जमीन जंगल कहना चाहूंगा 60% जमीन को 60% जमीन हमारे भारत मिला दिया गया रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में मोहन बेटन ने उस समय भारत का समझौता हुआ था तो भारत का समझौता में उन्होंने क्या बोला मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिए गए और हिंदू राज दे दिया गया और हमारे गुरुवारा लैंड को दे रहे थे मोहन बेटन ने वहां पर रामलीला ग्राउंड में सब भारत के समझौता में तो वहां पर क्या हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि हमको मत दो इनको मत दो ये गुरुवारा लैंड इनको मत दो मुसलमानों को दे दिया हिंदू राष्ट्रों को दे दिया तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इनको मत दो बोले क्यों ना दे इसलिए ना दे कि पढ़ा लिखा समाज नहीं है अनपढ़ है कमार है इनको 10 साल की लड़ाई का इनका 60% जमीन हमको भारत में लाया जाए और 10 साल के लिए हम पढ़ा लिखा करके इनको हम वापस कर देंगे ऐसे करके 60% जमीन अभी हमारा कोई नेता खोज करता ना कोई आदमी जानता 60% जमीन हमारा भी भारत में है मिलाया है और 40% में हम खेती कर रहे हैं 40% हम खेती कर रहे हैं उसमें पावर प्लांट बैठाया जा रहा है उसमें नेशनल पार्क खोला जा रहा है उसी में कारपोरेट को दिया जा रहा है उसी में बड़े बड़े बंधान बंधाया जा रहा है अगर यदि ग्राम सभा सशक्ति कर लो साथियों ये चलने वाला नहीं रहेगा ग्राम सभा लिखेगा स्पष्ट लिखेगा सब रोक देगा हमको जल जमीन जंगल की लड़ाई होना चाहिए धरती की लड़ाई होनी चाहिए धरती हमको चाहिए तो 60% जमीन वो हमारा अभी तक भारत में मिलाया गया है और वह जमीन के बदले आपको क्या मिला है पढ़ाई लिखाई की शिक्षा हमारे जमीन के बदले पढ़ाई लिखाई में शिक्षा वह जमीन के बदले मिला और नौकरी मिला वही जमीन के बदले मिला और राजनीति में हूँ वो जमीन के बदले मिला और हमारे जो ये घर बिल्डिंग दिया जा रहा है वह जमीन के बदले दिया जा रहा है और ये क्या कहते हैं आपको गैस सिलेंडर दिया जा रहा है उसी जमीन के बदले दिया जा रहा है पढ़ाई लिखाई शिक्षा नौकरी सब कुछ उसी जमीन के बदले दिया जा रहा है 2 रुपये किलो दिया जा रहा है आपको वही जमीन के बदले दिया जा रहा है लोन वगैरह दुनिया भर के ट्रैक्टर या किसी भी माध्यम से दिया जा रहा है तो वही जमीन के बदले दिया जा रहा है आप सरकार एहसान नहीं करती और नहीं सुनता 92 का फैसला बता दो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ 1 इंच जमीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केंद्र सरकार पास 1 इंच जमीन नहीं तो क्या देगा तुमको राज्य सरकार केंद्र सरकार हमारे भारत सरकार के नाम से राज कर रहे हैं जैसा अंग्रेज ने तो हमारे भारत सरकार के नाम से राज किया था उसी तरीके से इन्होंने राज हमारा कर रहे हैं कुछ आप लोग अगर ग्राम सभा मेरी कहना मान लेंगे आप ग्राम सभा तैयार करो साथियों दुनिया भर के फटकाओ में न रहो ग्राम सभा सशक्तिकरण स्वर्ग शासन मतलब स्वर्ग राज मैंने आखिरी बात कह के कि माँ बनाते माँ बराज तो होता है हमारे गांव में हमारा राज होना चाहिए जल जमीन जल रक्षा लो इन बताओ से आप लोग कार नहीं पाओगे कितना भी कुछ भी धुन पूरते रहो
जब तक आप में ग्राम सभा तैयार नहीं करोगे और ग्राम सभा हो भारत सरकार का ग्राम सभा चाहिए हमको, और ये सरकार की परिभाषा नहीं जानते हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार आपका नहीं है, आप कौन हो? आप भारत सरकार हो, आप मूल निवासी हो, आप मुखिया हो, अरबपति खरबपति हो, लेकिन धारा 244(13)(1) में राज्य लिखा है, संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, धारा 244(13)(1) का के अंतर्गत राज्य लिखा है, भवान राज्य लिखा है, हमें राज्य चाहिए, हम धरती को बचाने के लिए प्रयास करें ताकि ग्राम सभा के माध्यम से हो, जमीन को अब तो कहो कि हम पढ़ लिख करके तैयार हो गए, अब तो हमको 10 साल के लिए 10-10 साल के चुनाव बना करो, चलते चले जा रहे हैं दुश्मन लोग, हम जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको अब चाहिए कि हम पढ़ लिख कर होशियार हो गए, हमारे जमीन 60% जमीन कैसे लौटाया जाए, तो ग्राम सभा के माध्यम से लौटे साथियों, आप आराम ग्राम सभा के माध्यम से आएगा और ग्राम सभा के माध्यम से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए मैं अंतिम बार मैं यही चाहता हूँ कि हमको लीडर डीलर चाहिए, हमको लीडर न चाहिए, लीडर समाज को गैस खाया है, हमको सत्ता परिवर्तन न चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमको इलेक्शन न चाहिए, हमको सिलेक्शन चाहिए, इसलिए साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों नौजवान साथियों सभी आप आए हो तो ग्राम सभा से तैयार करके और मेरे नंबर भी लिख लेना, ग्राम सभा से तैयार करके जल जमीन जंगल झटक लो, अभी हमने ग्राम धनगांव में ग्राम सभा तैयार किए थे, वहाँ के जल जमीन जंगल को ले लिए, फॉरेस्ट गार्ड को भगा दिए, आज कटनी जिले में 55-53 गाँव में हमने ग्राम सभा तैयार करवाए, करते रहता हूँ, वहाँ भी जल जमीन जंगल को कर्मचारी को लिख रहे हैं रिपोर्ट, दुनिया भर के तबाही, कलेक्टर EDM तहसीलदार तमाम थाने वाले तबाह मच गया है, काफी देख लेना पेपर में देख लेना यूट्यूब में देख लेना, तबाही मच गया ग्राम सभा, ग्राम सभा हो सकती है, ग्राम सभा हो सकती है, ग्राम सभा लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा ग्राम सभा, इसलिए आप लोग ग्राम सभा की तैयारी करो, सशक्तिकरण करिए, स्वच्छ शासन चलाइए और आप धरती के मालिक हो, सब चीज हो, आज कोई कमी नहीं है, लेकिन धारा 244(13)(1) के अंतर्गत लिखा है विधि का बल प्राप्त है, आप लोगों के लिए गुणवाना राज लिखा है, वो बात बता रहा हूँ, इसलिए अब ज्यादा समय नहीं और कुछ कहना था लेकिन नहीं कहूँगा समय के आधार पर, इसलिए ग्राम सभा से तैयार करके और अपना ग्राम दरबार स्थापना करके जनजाति सलाहकार परिषद करो, एक बात और आखिर कह देता हूँ कि मिनी सांसद, संसद और सांसद में बहुत अंतर होता है, संसद का मालिक होता है प्रधानमंत्री और संसद के कार्यकर्ता होता है सांसद, जब वो सांसद हमारे मुद्दा में उठाता है दिल्ली में संसद में उठाता है ना विधानसभा विधायक उठाते मुद्दा, हमको कौन सा उपाय होना चाहिए, हमारे यहाँ को खरबों रुपये रोक लेते हैं वो लोग, मुन रहते हैं कुछ नहीं कहते हैं दुश्मन के चक्कर में, तो हमको क्या करना है, हमको मिनी सांसद बनाना होगा, हमको मिनी सांसद कौन कहलाता है, मिनी सांसद उदय मुखदम, जब वो लिखेगा राज्यपाल राष्ट्रपति कलेक्टर को तो किसी केंद्र सरकार का राज्य सरकार का किसी को पैसा रोकने सकता डायरेक्ट ग्राम सभा आएगा और जिला निधि कोष में जमा होगा और आपके ग्राम सभा तैयार हो गया, साथ में लिख दूंगा आपको सबसे साथ बता रहा हूँ, ये काम करना है आपको तभी तुम्हारा जीवन भलाई होना है, तभी सब कुछ हो पाओगे, तब जल जमीन जंगल के लड़ते हमको आजादी की लड़ाई लड़ना है, आजाद होना है हमको, इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कृपा कर प्रार्थना करता हूँ और समय के आधार पर मैं बोल दिया हूँ, आप ग्राम सभा सशक्तिकरण करो, स्वच्छ का राज करो और ये भी कहो, मैं कहूँगा मावा नाटे तो कहो कि हमारे गांव में हमारा राज, कहना है ना नारा में मावा नाटे मावा राज, तुम कहो हमारे गांव में हमारा राज, मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, चाहता हूँ संकल्प बात है ये हो, लेकिन मेरे नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये जिले के अंदर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा कार्यकर्ता एक मई व्यक्ति हो और कोई नहीं है, इसलिए मेरे नंबर लिख लेना और नंबर बता देना हो 77-34-84-94-91 हाँ लोग करिए लिखिए 77-24-84-94-91 77-24-84-94-91 बस इन सब लोग साथ में सभी को नतमस्तक से वजहार करते हुए सभी को प्रणाम देता हूँ, जय सेवा जय बड़ा वीडियो में बना होगा, इसीलिए कहते हैं साथियों जागो सर्व आदिवासी समाज के लोगों, जागो सर्व आदिवासी समाज के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं, अब सोने का वक्त नहीं, जो सर्व आदिवासी के काम गया है
वह सर्व आदिवासी का रक्त नहीं, वह सर्व आदिवासी का रक्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वटिया जी।